कहाँ से आए हैं सर आप? हम आए हैं नरेनी, बांदा जिला नरेनी से। क्या लग रहा है आज का माहौल देखिए? आज का माहौल हमें बीएसपी के लिए अच्छा लग रहा है कि हमारी बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। जीतेगी जी, पूरी उम्मीद के साथ हमारी सरकार बनेगी। सरकार बनेगी इस बार? पक्का इस बार हमारी सरकार बनेगी। क्या ऐसी खास बात है मायावती और कांसीराम की कि आपको लगता है कि सरकार बनेगी? भाई इनकी सरकार में मतलब ये है कहने का है कि ये जो इनकी सरकार आती है तो गुंडागर्दी हर कुछ सब कुछ खत्म हो जाता है। हाँ, और इनकी सरकार में सही साथ सरकार चलती है। बेटियां सुरक्षित हैं? जी इनकी सरकार में बेटियां सुरक्षित हैं, बदमाश सब जेल के अंदर होते हैं इनकी सरकार पे। मायावती की सरकार में बदमाश सब जेल के अंदर? सब जेल के अंदर होते हैं। मौजूदा सरकार इसमें गुंडागर्दी होती है, गुंडागर्दी अत्याचार वक्त होता है, कोई सर्विस नहीं मिलती है किसी को, सब कुछ सब ठेके में हो गए, सर्विस वाले सब परेशान हैं। एक हवाई जहाज हर चीज मतलब हर कुछ बिजली विभाग को हर कुछ सब कुछ ठेके में चला जाता है। अब खाली रोडे बची तो अभी बेच लेंगे, वो भी बेच लेंगे जी हाँ। आप मुझे बताइए क्या लग रहा है आप? इस बार बहुजन समाज पार्टी बहुत जोरों से तैयारी कर रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। ये सभी महत्वपूर्ण पदों पर भी क्यों ना रखें? आप बताइए क्या माहौल देखने को मिला, क्या लग रहा है, कहाँ से आए आप? मैं कुशीनगर जिले के रामकोला विधानसभा से हूँ, मेरा नाम अरुण कुमार है। यस मतलब मैं इसलिए इतना उत्साहित हूँ क्योंकि बहन जी की सरकार होती है तो खास करके दबे कुचले जो पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, जो दलित से ताल्लुक रखते हैं, उनके साथ अत्याचार नहीं हो पाता है। अभी मौजूदा सरकार का डाटा है, हर 15 मिनट में जो छोटे वर्ग के जो जातियां हैं उन पे अत्याचार होते हैं। जैसे हाथ रस का केस उठा के देख लीजिए, आए दिन अभी हमारे गोरखपुर में मनीष प्रजापति की हत्या हुई है। इस तरीके की हत्याएं होती रहती हैं और प्रशासन से जब लोग मदद की गुहार करते हैं तो सरकार लीपापोती पे अपना करके उन लोगों को न्याय नहीं दे पाती है। तो अगर हमारा मानना है कि अगर सभी लोग जैसे SC ST और OBC के लोग अगर बहन जी को जिताने के लिए प्रयासरत करते हैं तो प्रदेश में एक शांतिपूर्ण सरकार बनेगी। शांतिपूर्ण सरकार बनेगी अगर मायावती को सपोर्ट करते हैं? एकदम, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। शांतिपूर्ण सरकार का मतलब अगर आप प्रशासन के पास जाती हैं किसी चीज का गुहार लगाने के लिए तो प्रशासन आपकी बातों को सुनेगा, आपको न्याय देगा। और अभी की मौजूदा सरकार नहीं दे पा रही है, वो तो सरकार खुद कह रही है कि हम उस मामले पे फेल है। जब 15 मिनट में अत्याचार हो रहे हैं तो आप कहाँ हैं? और युवाओं को रोजगार का जो नारा उन्होंने दिया है, जो पोस्टर लगा रहे हैं, 2007 से लेकर 2012 में मायावती जी ने दिखा दिया कि हम रोजगार के मामले में कितने सजग हैं। 1,38,000 चाहे सफाई कर्मी की भर्ती हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो या पुलिस की भर्ती हो। लेकिन जो 4.5 लाख की भर्ती अभी योगी सरकार ने कहा उसका क्या है? कोर्ट में सारी चीजें हैं, आप खुद मीडिया के लोग हैं, आप हमसे सजग हैं, आप खुद जाके देखिए 69 शिक्षक भर्ती में। दिल्ली में उन्होंने योगी सरकार ने दिल्ली में बड़े बड़े पोस्टर लगाए कि उत्तर प्रदेश में हमने 4.5 लाख रोजगार दिया है युवाओं को, कहाँ है? योगी आदित्यनाथ जी यूपी के मुख्यमंत्री हैं तो उनको दिल्ली में लगाने की क्या जरूरत है? दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल की सरकार है ना, उनके खिलाफ लगाइए कि हाँ अरविंद केजरीवाल जी उस मसले पे फेल है। आप क्यों जा रहे हैं दिल्ली में अपनी अपना प्रचार प्रसार करने के लिए? यूपी में रोजगार नहीं है युवाओं? एकदम फेल है सरकार, एकदम फेल है। अभी 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 जो तत्काल में एयर इंडिया था गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, अभी उसकी भी नीलामी कर दी गई है, यानी सरकार के पास कोई जेट एयरलाइन नहीं बची। अब रेलवे भी बेच दिया। लेकिन जेवर में एयरपोर्ट बन रहा था उसका क्या? कहाँ बना? आप खुद बताइए कहाँ बना? यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, कौन सा यूनिवर्सिटी बना? रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। अभी एक बात चली थी कि राम मंदिर बनेगा, रोजगार मिलेगा, इकोनॉमिक बढ़ेगी, लगता है? क्या बताइए आपको लगता है कि क्या मंदिर बनने से युवा को रोजगार मिल जाएगा? आप बताइए। मैम कह रहा मंदिर से रोजगार मिलेगा? उसमें जो ट्रस्ट बना है कितने SC ST और OBC को वहाँ पे भागीदारी दी गई, आप खुद बताइए। कोविंद जी को खुद नहीं बुलाया गया, रामनाथ कोविंद जी के साथ खुद शोषण कर दिया गया, उनको लेकर आ गया, डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया उनको, बताइए। तो क्या लग रहा है, मतलब राम मंदिर बनेगा तो रोजगार नहीं? अब हमारा समाज इनके पर चलाने में आने वाला है नहीं, हमारा समाज जागरूक हो चुका है, हर मुद्दे पे फेल होते जा रहे हैं। जो बहलाने फुसलाने की राजनीति है ये समाप्त हो चुकी है। यह जो आदमी इनको अवसर दिया था कि हाँ ये कुछ अलग करके दिखाएंगे, ये हर मसले पे फेल है। यह गोरखपुर में जाके देख लीजिए, मैं गोरखपुर का जस्ट बगल का हूँ, ये जाके देखिए पूरा जो शहर था उज्जवलमग्न है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वादा किया हम कि ये GURL स्टार्ट करेंगे, आज 8 साल हो गए, 9 साल हो गए, ये GURL में एक बोरी खाद नहीं बनी अभी, एम्स में अभी एक मरीज भर्ती नहीं हुआ। लेकिन और बढ़ाई तो बहुत कर रही है। बताइए पूंजीपतियों की सरकार है, बड़े बड़े होल्डिंग तो इन्हीं के लगेंगे,
जिनके पास पैसा होगा वही तो लगाएंगे बड़े बड़े होर्डिंग, हमारे पास नहीं है तो हम कहाँ लगाएं। जमीनी स्तर पे हम जाके लोगों को बताएंगे कि हमारी सरकार ने किया, अब हमको अवसर दीजिए, फिर उस तरीके से काम किया जाएगा। तो देखा आपने किस तरह से युवाओं में गुस्सा था अभी की मौजूदा सरकार में, और उनका यही कहना है कि अब जो सरकार बनेगी वो बहन कुमारी मायावती की बनेगी, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द मूक नाइट।